हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कमाल की रेमेडी लेके आई फ्रेंड्स के अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, आपके बाल बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, इतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, रेमेडी अगर एक या दो बार अप्लाई कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा 100% आपको रिजल्ट आएगा। तो चलिए रेमेडी बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है आंवला। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, तो यह हमारे बालों को नेचुरल तरीके से हेल्दी बनाए रखता है। बिल्कुल इसमें कोई केमिकल युक्त चीज़ें नहीं ऐड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेमेडी होने वाली है ये। क्योंकि अगर इस रेमेडी को आप कम से कम महीने में एक बार लगा लेंगे तो भी आपके बालों की जो चमक रहेगी, आपके बालों की ग्रोथ रहेगी, आपके बालों की जो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके बालों की जो हेल्दीपन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें डलेंगी और ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से केयर करेगी। तो चलिए इस रेमेडी को इस तरीके से आपको बना के तैयार करना है। तो इसको आंवला को ग्रेट कर लेना है और इसका जूस निकाल के तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने ग्रेट कर लिया, अब इसका जूस को निकाल के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ऑलरेडी जूस हमारे पास में रखा है इसका आंवले का, तो उसको दोनों को मिक्स करके हम इसको तैयार करेंगे। तो आपको क्वांटिटी इस तरीके की लेनी है आपको बालों के लिए कि आपके बालों की लेंथ में अच्छे से आप लगा सकते हैं। आप रूट से लेके लेंथ तक लगाइए, बहुत ही कमाल के असर करने वाली रेमेडी है। आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका असर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमने कम से कम इसमें आधी कटोरी जूस की हो चुकी है और अब इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर जो हमारे बालों में एक साइन लेके आएगा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं तो उसको बिल्कुल कंट्रोल करता है। और अब इसमें ऐड कर देंगे मेहंदी पाउडर। तो मेहंदी पाउडर ऑप्शनल है, आप लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से कॉफ़ी पाउडर को मिक्स करके आंवले का जूस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेहंदी पाउडर अगर इसमें डाल के लगाएंगे तो और भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। और अब इसमें ले लेंगे भृंगराज पाउडर। तो भृंगराज पाउडर भी हमारे बालों की जड़ों को बहुत ही मजबूत बनाता है, हमारे बालों की लेंथ को बहुत ही स्पीड से ग्रो करने में मदद करता है। अगर आपके बाल बिल्कुल रुक चुके हैं, उगना बिल्कुल भी नहीं उग रहे हैं, तो दोबारा से रीग्रोथ स्टार्ट होगी। आप इस रेमेडी को आप अप्लाई करेंगे तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें सभी ऐड कर देना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा असर करने वाली रेमेडी है ये। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही नई नई हेल्दी रेमेडी देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई रेसिपी पसंद है तो आप हमारे को रेसिपी के लिए आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम आपके लिए रेसिपी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिए। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये हेयर पैक बनके तैयार हो गया है। आप इस हेयर पैक को आप कम से कम इसको महीने में एक बार लगा लेंगे तो भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। अगर आप इसको महीने में 2 से 3 बार अगर अप्लाई कर लेंगे तो आपके बालों की जो समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी, आपके बालों की समस्या बिल्कुल भी दोबारा नहीं होगी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 2 विटामिन ई का कैप्सूल, क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल में भी हमारे बालों को जो कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसमें जो एक ऑयल पाया जाता है ये तो हमारे बालों की जड़ों को बहुत मजबूत करता है, हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही स्पीड से बढ़ाने में मदद करता है ये। तो विटामिन ई के कैप्सूल को आप खा भी सकते हैं या आप इसको इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी तेल में मिक्स करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर विटामिन ई का कैप्सूल को आप 5 दिन अगर खा के देख लेंगे जो आपका बालों का रिजल्ट आएगा और आपकी स्किन का रिजल्ट आएगा, तो आप खुद कमेंट करके हमारे को बताएंगे। आप डॉक्टर की सलाह लेके भी विटामिन ई का कैप्सूल खा सकते हैं क्योंकि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। थोड़ा सा ऐड कर दें इसमें नारियल, इसमें जो हमने एलोवेरा जेल ऐड करे हैं, और इसमें ऐड कर दिया हमने ओले ऑयल, जैतून का तेल ऐड कर दिया, नारियल तेल। बट फ्रेंड्स, आप ये ना ऐड करें नारियल तेल इसमें, क्योंकि ठंडा होकर वो बिल्कुल जम जाता है। तो इस तरीके से आपको ओले ऑयल ऐड करना है इसमें। जैतून का तेल भी इतना ज़्यादा असर करता है, हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती देता है, हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी बनाता है। तो ये इस तरीके से रेमेडी बनके तैयार हो गई। आप इसको हेयर पैक भी बोल सकते हैं या आप इस तरीके से हफ्ते में अगर आप इसको लगाना चाहें तो एक बार भी लगा सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा आपके बालों में चमक आएगी, आपके बालों में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। ये चीज़ मैं गारंटी से बोल रही हूँ, एक बार लगा के आप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स मैं इतनी थी अच्छी अच्छी रेमेडी लेके आती हूँ, तो लाइक तो बनता ही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के पास। बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेमेडी आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।